कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग विदेशी सैलानियों से डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये कोरोना पीड़ित हैं, हमें बीमार कर देंगे। जी हाँ, महोबा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लोगों ने जैसे ही दो विदेशी सैलानियों को बस स्टॉप पर देखा, उन्हें देखकर बस स्टॉप पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस दोनों को जिला अस्पताल ले गई, आइसोलेशन वार्ड में रखा। जांच पूरी होने के बाद दोनों को वापस भेज दिया गया। With the hospital, we went to see 5 doctors. They examined our full body, but we were tested negative, so we are fully healthy. जिला अस्पताल के CMO डॉक्टर RP मिश्रा ने बताया कि महोबा पुलिस द्वारा दो विदेशी सैलानियों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में लाया गया था, जिन्हें प्राथमिक जांच में नेगेटिव पाया गया। क्योंकि यहाँ पे वो बस के उसमें थे, क्योंकि बस स्टैंड और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पास पास में है, तो या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल समझ के इधर आ गए होंगे, या किसी ने कहा होगा कि यहाँ फॉरनर्स हैं यहाँ बस स्टैंड में, तो पुलिस जो है लेके आई। उनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, पूरी तरह एग्जामिन किया गया, उनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण सिम्टम नहीं थे। और चूँकि यहाँ 14 दिन का पीरियड होता है इसका जो है बीमारी का, वो तो चूँकि वो क्रॉस कर चुके थे, 1.5 महीने से यहाँ रह रहे हैं, तो मेडिकली उनको जो ऐसी कोई अन्य जो है एग्जामिनेशन या आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उनको जो है जाने दिया गया है। 1.5 मंथ से थे यहाँ पे इंडिया में। ये चंदौली की तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन पर RPF और GRPF के जवान रेल यात्रियों को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं। चंदौली स्थित DDU जंक्शन से रोजाना कई ट्रेनें निकलती हैं। ऐसे में ये अभियान और भी जरूरी हो जाता है। से आपने देखा होगा कि केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कंट्री में, और रेलवे में एक क्लोज इंटरेक्शन प्रॉक्सिमिटी में ट्रेन्स पे प्लेटफॉर्म से भीड़ होने की वजह से संभावना रहती है। साथ ही जो हमारा अपना स्टाफ है उसका भी बहुत कुछ लेन देन, हाथ कोई टिकट देता है, कोई टिकट चेक करता है, कोई कैश रिसीव करता है, कोई कैश रिटर्न करता है, तो उसी के सिलसिले में आज हम लोगों ने अपना एक इंस्पेक्शन यहाँ रखा था, जिससे कि स्टाफ को क्या प्रिकॉशन लेने हैं, पैसेंजर्स को क्या प्रिकॉशन लेने हैं, उनके बारे में उनको एक चीज़ बताई गई कि इस तरीके से मतलब इसका डिसीज़ का स्प्रेड किस हद तक हम कंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जो इंतजाम थे काफ़ी कुछ ठीक मिले हैं, कुछ और मास्क की ज़रूरत है वो कि हम उपलब्ध करा रहे हैं। महोबा से नाहिद अंसारी, चंदौली से उदय गुप्ता की रिपोर्ट, UP तक।